भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे और पवन सिंह। जी हाँ, आपने सही सुना, पवन सिंह। ये सभी एक ही जगह नजर आए और वो भी सावन के लास्ट सोमवार के दिन रुद्राभिषेक की पूजा करते हुए, रुद्राभिषेक की पूजा में सम्मिलित होते हुए। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि रुद्राभिषेक की पूजा थी किसके घर पे। एक्चुअली ये रुद्राभिषेक की पूजा किसी के घर पे नहीं, बल्कि पवन सिंह के फ्रेंड राजीव सिंह के ऑफिस में रखी गई थी। और यहीं पर म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा से लेकर आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ सभी मौजूद थे। खास बात तो ये थी कि पवन सिंह इन दिनों काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। काफ़ी खुश इसलिए नज़र आ रहे हैं कि अक्षरा और पवन के विवादों के चलते भी पवन सिंह की फिल्म जय हिंद बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। वैसे एक और जानकारी आपको दे सकते हैं, हो सकता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे और पवन सिंह एक साथ एक फिल्म में नज़र आए। ये पहली बार होगा जब ये तिकड़ी किसी फिल्म में एक साथ नज़र आएगी। वैसे भी इन तीनों की ऑडियंस इन तीनों को एक साथ देखने के लिए बेताब हो रही है। और इसी रुद्राभिषेक पूजा के दौरान दो बड़े प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट जल्द ही भोजपुरी इंडस्ट्री में हो सकते हैं। वैसे अच्छा ही है, पवन सिंह अपने कामों पे ध्यान दे रहे हैं और उन्हें अपने इस कंट्रोवर्सी से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे भी कंट्रोवर्सी से भला ही किसका हुआ है, आज लोग याद रखते हैं और कल भूल जाते हैं, लेकिन याद इंसान के कर्म ही किए जाते हैं। खैर, हम आपको बता दें कि पवन सिंह की फिल्म 15 अगस्त को मुंबई समेत गुजरात, कोलकाता और दिल्ली में भी रिलीज होगी। इसलिए जो लोग पवन सिंह को भगौड़ा कह रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पवन सिंह मुंबई में ही स्थित हैं और जल्द ही अपनी फिल्मों की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।